हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रेडमी 9A के न्यू अपडेट के बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाएं। और फ्रेंड्स, मेरा एक टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल भी है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और मेरा एक ऑफिशियल ग्रुप भी है, आप उन दोनों को प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। मैंने उन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स रेडमी 9A के न्यू अपडेट के बारे में। तो फ्रेंड्स, रेडमी 9A में एक नया अपडेट हमें देखने को मिला है 12.0.8.0 का, वो हमें एंड्रॉयड 10 के साथ ही देखने को मिला है। और हमें इसमें दिसंबर का सिक्योरिटी पैच देखने को मिला है। और आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे हमें न्यू फीचर्स देखने को मिले हैं, मगर इसमें अभी भी हमें एंड्रॉयड 10 का गेस्चर पार देखने को नहीं मिला है, जो कि एक बहुत ज़्यादा बुरी बात है। आप इसे अनेबल नहीं कर सकते, आपको केवल फुल स्क्रीन गेस्चर ही अभी भी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसमें हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसा कि सेटिंग्स में जा करके आपको सिंपली डिस्प्ले खोलना है। जब आप डिस्प्ले खोलेंगे तो आपको इसमें डार्क मोड 3.0 ऑफिशियली देखने को मिलता है। आपको इसमें कोई भी APKs इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। मगर जब आप इसमें डार्क मोड लगाते हैं तो अब आपको थोड़ा थोड़ा सा लैग देखने को मिलता है, फिर आपका बिल्कुल एकदम सही चलने लग जाता है थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, ये होता है इसका पहला फीचर। आप देख सकते हैं डार्क मोड इसमें बहुत अच्छे से काम करता है, डार्क मोड 3.0। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके दूसरे फीचर की। फ्रेंड्स, जैसे आप डिस्प्ले खोलेंगे, आपको स्वाइप अप स्वाइप डाउन करने के बाद कंट्रोल सेंटर खोलना है। कंट्रोल सेंटर के बाद आपको इसमें स्मार्ट होम देखने को मिल जाता है ऑफिशियली, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन आप इसे अगर आपको इसे ऑप्शन को अनेबल करना है तो आपको सिंपली इसे प्ले स्टोर से MI Home APK को डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप MI Home APK को डाउनलोड करेंगे, आपका ये स्मार्ट होम ऑप्शन अनेबल हो जाएगा, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप इस स्मार्ट होम APK को प्ले स्टोर या गेट ऐप से डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सिंपली उस APK को खोलना है। फिर आपको उस APK को खोलने के बाद आपको सिंपली उसमें कुछ सेटिंग्स करनी है, आपको उसमें सारे फीचर्स को अनेबल कर देना है। फिर आपको उसमें सारे फीचर्स अनेबल करने के बाद फिर से आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स खोलनी है। सेटिंग्स खोलने के बाद आपको फिर से डिस्प्ले में जाना है, फिर आपको कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन शेयर में जाना है। जैसे आप डिस्प्ले में कंट्रोल सेंटर के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको इसमें स्मार्ट होम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, स्मार्ट होम नन या MI Home। आपको MI Home को सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको कंट्रोल सेंटर से स्वाइप डाउन करना है, आपको स्मार्ट होम डिवाइसेस पर आपको टैप करना है। तो आप देख सकते हैं आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके जाना।